नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए शेखर अय्यर, वेटरन जर्नलिस्ट। हमने लास्ट फ्राइडे स्टार्ट किया था अपना, क्या बोलते हैं, एवरी फ्राइडे एपिसोड विद शेखर अय्यर सर। उसी का आज सेकंड पार्ट है और इस वक्त पूरी हाइप बनी हुई है दो तीन टॉपिक्स के आसपास में। एक तो ट्रम्प को लेके भी पूरी द वर्ल्ड इज वॉचिंग। वो हाथ डालते हैं अपनी किटी में, फिर एक नया लेकर आते हैं, विच इज अगेन लाइक ओ माय गॉड, पीपल आर वाचिंग। अच्छा, नाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। वन साइड इज एंजॉयिंग, द अदर इज क्राइंग। इट इज हैपनिंग लाइक दैट। एंड देन महाराष्ट्र इलेक्शंस। महाराष्ट्र इलेक्शंस में जो बयानबाजियां चल रही हैं, जो एक रिदम बनकर आया, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा बीजेपी ग्राउंड पर उतर आया है, साथ में आरएसएस। अय्यर सर, अभी क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, भी क्या माहौल है, किस तरीके से है, चीजें किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? जी, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू गायत्री जी, नमस्कार। ये आपने सही कहा महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र का एक ही फेस है जिसमें 288 सीट्स का कंटेस्ट हो रहा है। मैदान में बहुत लोग हैं, 6 पार्टियाज हैं, 2 गठबंधन हैं, और गठबंधन के बीच में टक्कर है, लेकिन गठबंधन के अंदर भी टक्कर है। और गठबंधन में किसी तरह महाविकास अघाड़ी ने अपनी सीट एडजस्टमेंट वगैरह कर ली, जिसपे कांग्रेस 100 से ज्यादा लड़ रही है, और शिव से यानी जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, जो यूबीटी कहते हैं हम उनको, वो भी चाहते थे कि 100 से ज्यादा लड़े, लेकिन उतना लड़ नहीं पा रहे, 100 से कम ही लड़ रहे हैं। और सवाल है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से शुरू किया था कैंपेन अघाड़ी ने, अभी भी कई जगह पे उनकी कॉन्फिडेंस है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो एक फॉर्मूला का जो बताया गया था कि जिस पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी उसी को मौका मिलेगा सीएम कौन बनने का तय करने का, जिस बात को लेकर उद्धव ठाकरे बड़े नाराज हैं, अभी भी है। और साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें लड़ रही है। यहाँ पे महायुति जो दूसरा फ्रंट है, जो रूलिंग फ्रंट है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनकी शिवसेना भी काफी सीटों में लड़ रही है, और अजीत पवार के जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं ऐसी कुछ बयानबाजी हो रही है जिससे संदेह पैदा हो गया कि अजीत पवार क्या करने वाले हैं। अजीत पवार ने खुल के यूपी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बहुत कैची जो स्लोगन जो चल पड़ गया है वो है कि भाई बटोगे तो कटोगे, जो जिस बयान को लेकर बहुत प्रतिक्रिया हुई है कांग्रेस की तरफ भी हुई है, और आश्चर्यजनक अजीत पवार ने भी तय कर लिया इसको विरोध करना है। तो खुल के उन्होंने, जैसे ही योगी जी का एक मीटिंग हुआ महाराष्ट्र में जहां ये बात बोले, भाई मतलब बटोगे या आप डिवाइडेड होके रहोगे तो बस नुकसान आपका ही होगा, कटोगे। तो वो बात को लेकर अजीत पवार का एक बड़ा बयान आ गया, भाई हम ये स्वीकार नहीं करते महाराष्ट्र में इस तरह की एक प्रकार के ये डिविजिव स्लोगन है, यहाँ चलता नहीं है। और साथ में ना केवल वो बोले, उसके बाद हमने देखा उनके पार्टी के नवाब मल्लिक आप जानते हैं, उन पर एनआईए का इन्वेस्टिगेशन है, ईडी का इन्वेस्टिगेशन है, बीजेपी की तरफ से कहा गया भाई महायुति इनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए एनसीपी, लेकिन उनको टिकट दे दिए, उन बेटी को भी टिकट दे दिए। उसके ऊपर कई स्टेटमेंट्स करवा रहे हैं अजीत पवार नवाब मलिक के माध्यम से। एक स्टेटमेंट है भाई इस तरह की बयानबाजी है तो फिर अजीत पवार के जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वो सोचना पड़ेगा कि बीजेपी अलायंस में रहना है ना रहना है, इस सरकार को समर्थन करना नहीं करना है, ये भी अपने आप में बहुत सीरियस कमेंट है। अजीत पवार कह रहे हैं भाई योगी का बयान जो टिप्पणी से हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरी तरफ नवाब मलिक कह रहा है भाई हम विकल्प खोल के रख रहे हैं। इतना तक सब लोग जानते हैं, बीजेपी में भी और सब जगह जानते हैं कि जो समीकरण बन के निकलेगा चुनाव के बाद, अजीत पवार उस गठबंधन जा सकते हैं जहां वो सोच रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन वो भी बड़ा कठिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पे लड़े थे, कुल 4 सीटों पे 48 से एक ही सीट जीते, तो अजीत पवार के लिए परेशानी बढ़ रही है। अजीत पवार को लग रहा है भाई एक तो अपने चाचा शरद पवार जी से लड़ रहे हैं, और इस बार ऐसा टाइट हो गया है, पहले तो अजीत पवार सोच रहे थे कि वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे बारामती में,
लेकिन शरद पवार ने दूसरे अपने भाई के पोते को लगा दिया इन्हीं के खिलाफ, यानी अजीत पवार के एक दूसरे जो नेफ्यू है वो उन्हीं से लड़ रहे हैं, मतलब अंकल वर्सेस नेफ्यू हो गया है। यानी अगर अजीत पवार शरद पवार के खिलाफ है और पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी वाइफ को खड़ा करके सुप्रिया सुले के खिलाफ किए थे लेकिन सुप्रिया सुले जीत गई है, इस बार असेंबली चुनाव में बारामती असेंबली चुनाव क्षेत्र में शरद पवार ने इनके दूसरे भाई है श्रीनिवास पवार उनके पोते को लगा दिया इनके खिलाफ। तो अंकल वर्सेस अंकल चल रहा है मामला, मतलब अंकल वर्सेस नेफ्यू, तो वो भी एक बड़ा कंफ्यूज्ड है। और अजीत पवार को स्वयं एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नजर आ रहा है। देखिए इस बार इसलिए थोड़ा बीजेपी से हटना शुरू कर दिए चुनाव से पहले। अब लोग खुलेआम बोल रहे हैं बीजेपी के नेता जानते, भाई हम जानते हैं ये तो नंबर यहां नहीं बनी तो दूसरे जगह जाएंगे, फिर दोबारा कोशिश करेंगे। इस बीच में गायत्री जी आश्चर्यजनक बात है, जो बात पहले खुलासा हो चुका है, जो बात पहले खुलासा हो चुका है कि 2019 में जब चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने सीएम पोस्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा करके बीजेपी के साथ सरकार बनाने का इनकार किया था, उसी समय शरद पवार ने प्रधानमंत्री को अप्रोच किया था, अमित शाह को अप्रोच किया था एक विकल्प सरकार बनाने के लिए, इसको लेकर काफी पहले वो आ चुकी है। उसी सिलसिले में अजीत पवार फिर बातचीत शुरू किए, लेकिन बीच में शरद पवार ने माइंड बदल लिया। सो अजीत पवार ने जाके देवेंद्र फडणवीस के साथ 3 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री पद पे बैठे, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री शपथ दिया गया, लेकिन वो सरकार कोलैप्स होगी क्योंकि बाकी एनसीपी के एमएलए शरद पवार ये अजीत पवार के साथ नहीं है, ये बात आ चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने कई इंटरव्यू में कह चुके कि ये जो बात उस समय दो, क्योंकि उसके बाद ही ये नया अरेंजमेंट हुआ, जब देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार का एक जो फॉर्मूला आगे नहीं चल पड़ा, यानी अजीत पवार फेल्ड अपने एनसीपी एमएलए को साथ लाने में क्योंकि शरद पवार ने लास्ट में मना कर दिया था। इसके बाद अजीत उसके बाद ये लोग तीन इकट्ठे आ गए, कौन, शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी और उद्धव ठाकरे जो कभी सेकुलर फोल्ड में नहीं रहे, उनके फादर के टाइम भाल ठाकरे टाइम से भी कभी नहीं रहे, वो बाहर आके फिर उन्होंने इनके साथ कर लिया और कांग्रेस को फोर्स किया भाई इनको मुख्यमंत्री बनाओ। इसीलिए पहले तो बात थी आदित्य ठाकरे को बनाने की, अपने बेटे को बनाने की, फिर जाके स्वयं बन गए। अब जब इस ये चैप्टर तो सबको पता क्या हुआ, उसके बाद भी आपके देवेंद्र फडणवीस ने कई इंटरव्यू में बोले भाई ये सच है जो हमारे उस समय 2019 में हुआ, शरद पवार के पूरे ग्रीन सिग्नल में ये बातचीत शुरू हुई और सरकार बनाने की कोशिश हुई, शरद पवार स्वयं दिल्ली गए थे, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे। अब क्या हुआ है गायत्री जी, अजीत पवार इस समय बड़ा खुलासा कर रहे हैं, क्या नहीं उस समय जो हुआ था मैं तो शरद पवार के नॉलेज में भी किया था, मैंने कोई धोखा नहीं दिया था शरद पवार को, शरद पवार ने मुझे कहा था भाई बात करो, और बातचीत कहाँ हुई, वो अदानी के घर में हुई थी, गौतम अदानी के घर में हुई थी, जहां अमित शाह उपस्थित थे, देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे, शरद पवार उपस्थित थे, मैं था, तभी बात हुई, सरकार बनाने की बात हुई। अच्छा अब जब गौतम अदानी का नाम ले लिया तो बाकी जो मीडिया में वो ये चल पड़ गया भाई गौतम अदानी का क्या रोल रहा बीजेपी और अजीत पवार के साथ लाने में। अच्छा गौतम अदानी पर कोई टिप्पणी करना शरद पवार कभी पसंद नहीं करते, जब ममता और राहुल गांधी लगे थे अदानी पर अटैक, शरद पवार स्वयं बोले थे भाई किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को ड्रैग मत करो, हमारी राजनीति अलग है, हमारी पार्टियां का लड़ाई अलग है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को ड्रैग नहीं करना क्योंकि उनके बड़े खास मित्र हैं, उनके वेल विशर रहे हैं, और शरद पवार नहीं चाहते भाई इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट नहीं करना। अब क्या हुआ है क्योंकि अजीत पवार ने दोबारा इस तरह खुलासा किया है तो शरद पवार को भी एडमिट करना पड़ा, हाँ ये मीटिंग दिल्ली में हुई, लेकिन गौतम अदानी केवल हमारे होस्ट थे, उन्होंने लंच डिनर की एक व्यवस्था की थी जिसमें हम लोग मिले, लेकिन वो इस बातचीत में शामिल नहीं थे। लेकिन बात क्या है, एक चीज तो क्लियर हो गया कि नेशनल कांग्रेस पार्टी जैसे ही शिवसेना हट गई बीजेपी से,
एक विकल्प सरकार ढूंढने लगी, जाके कांग्रेस के गोद में बैठ गई उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना, जो बाद में जाके आप लेते हैं वहां विद्रोह हुआ, एक नचिंडा बाहर निकल के आए यही कह के कि उद्धव ठाकरे के अंडर सरकार फेल रही और कांग्रेस के साथ जाना हमें पसंद नहीं था क्योंकि हमारे बाला साहब ठाकरे की जो विजन है वो विजन नहीं है। फिर यहाँ आ गए, फिर ये मुख्यमंत्री बन गए, पार्टी टूट गई, कई लोग इधर चले आए, तो इनको तो बहुमत था, एकनाथ शिंदे की सरकार बीजेपी सपोर्टेड तो था, उसके बाद में ये आए, एक साल के बाद ये टूट के आए हमारे अजीत पवार। अब देखिए ये सारे खुलासा क्यों कर रहा है अजीत पवार, ये किसको डैमेज करने के लिए कर रहा है? क्या बीजेपी को डैमेज करना चाहता है भाई? इसमें गौतम अदानी के घर में हुआ था, शरद पवार तो उसको रोक किसी तरह डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, अब अजीत पवार क्या चाहते हैं? लेकिन ये सब बयानबाजी मुझे लगता है गायत्री जी एक प्रकार से एक एग्जिट विंडो तो खोल गई है ना ये, अगर चुनाव के टाइम पे एक हफ्ता बाकी है इस तरह टिप्पणी क्या मतलब है? जब आप चुनाव में जा रहे हो आपके कई लोक कल्याण कार्यक्रम को लेकर लोगों के पास जा रहे हो, आपके जो लड़की बहन योजना, जो मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना का एक रिपीट मॉडल है कि मंथली 1500 देना, अब इसमें देखे बड़ी दौड़ चली है, जैसे ही महायुति ने कह दिया 1500 रुपये देंगे हर महिला को, 2 करोड़ महिलाओं को देंगे, तो तुरंत आपने देखा कांग्रेस में बेचैनी, भड़बड़ाहट, भौकलाट, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भाई वो 1500 देंगे तब 3000 देंगे, वो जो युवा को नौकरी नहीं है वो ये करेंगे तब ये करेंगे, बड़ी कॉम्पिटिटिव। जो देखिए प्रधानमंत्री एक समय ये रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बोले थे भाई इस तरह आप ये देंगे वो देंगे, लुभाओ मत वोटरों को, जो हो सकता है वो करो, लेकिन अभी ऐसा पोजीशन आ गया है बीजेपी के जो महायुति है वो भी की देने की बात हो रही है वहां भी और यहां भी, ऐसे पहले तो मौका लगा कि भाई थोड़ा आगे निकल गया है, ये जो लड़की योजना जो है लड़की बहन योजना में ये 1500 रुपया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कई लोग पा चुके और जो महिला जिनको मिला बैंक अकाउंट में 1500 उनको लग रहा है ये तो दे रहे हैं। अच्छा दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है भाई हम 3000 देंगे, अब कई वोटर्स में ये बात भाई जो 1500 देगा उसको बिलीव करेंगे जो हमें दे चुका है, या जो कह रहा भाई डबल करेंगे वो देंगे, तो इनको ना वोट करके उनको क्यों करें? ठीक है, ऐसा एक माहौल बन गया जहां पे बड़ा स्टिफ कंपटीशन हो गया। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स लेकर एक तो अलायंस के अंदर कैंडिडेट चेंज हुए, कई बीजेपी के कैंडिडेट एकनाथ शिंदे के शिवसेना सिंबल पर लड़ रहे हैं, महा विकास अकाड़ी में कोई एनसीपी में था वो कांग्रेस पे लड़ रहा है, कोई कांग्रेस पे था वो ठाकरे के यूबीटी में लड़ रहा है, वो यूबीटी से लड़ रहा है। एक प्रकार से वोटर भी बड़ा कंफ्यूज होता जा रहा है भाई कौन कहां किस पार्टी से लड़ रहा है क्या कर रहा है, और ऊपर से हम देख रहे हैं ये जो विवाद हो रहा है। देखिए एक चीज है गायत्री जी, योगी जी के लिए डिमांड बढ़ गई है महाराष्ट्र में, ये अजीत पवार कुछ कहे, नवाब मलिक कुछ कहे, अशोक चव्हाण, देखिए वन का प्रॉब्लम दूसरा है, अशोक चव्हाण और पद्मजा मुंडे ये मराठवाड़ा बेल्ट में देखिए जहां पे माइनॉरिटी वोट ज्यादा है उनको लग रहा है भाई इसको समर्थन करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे ही तो हम या लोग बटे हुए हैं तो हम इसलिए कट रहे हैं, तो इसलिए और ज्यादा ना बढ़ जाए तो वो एक डैमेज कंट्रोल की हो रहे हैं। लेकिन बाकी जगह में प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद सबसे लोकप्रिय डिमांड किसी का अगर हो रही है वो है योगी जी का, योगी जी का कैंपेन हर चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, और इस बीच में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डायरेक्टली टिप्पणी कर दी योगी के ऊपर, ये कौन सी ये सन्यासी का भगवा ये पहनकर वस्त्र पहनकर ये क्या कर रहे हैं, और कुछ पर्सनल रिमार्क्स भी कर दिए, ये तो भगवा आतंकवाद के रूप में है, मतलब एक मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री इलेक्टेड मुख्यमंत्री को इस तरह कांग्रेस करने का तो ये नहीं है। उसके जवाब में जो पलटवार आपने देखा योगी जी साइड से वो तो डायरेक्ट कर दिए, बोले गर्गे जी पिछले साल अगस्त महीना में दिल्ली में तालकटोरा में कांग्रेस अधिवेशन में करके स्वयं अपने जीवन की यात्रा के बारे में बता रहे थे, जब वो 6 साल के थे कर्नाटका के बीड़ है उनका गांव, दलित गांव है वहां पे, क्योंकि बीड़ वगैरह सब निजाम के अंदर आता था 1940 की हम बात कर रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंस से पहले उस समय ये निजाम हैदराबाद के अंदर आता था,
और क्योंकि लोग चाहते थे कि निजाम पूरा भारत में शामिल हो जाए, कोई अलग रजवाड़ा ना रखे, शामिल हो जाए, इसका लेकर लोगों के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ। उसको दबाने के लिए एक मिलिशिया को उन्होंने अनलीश किया, वो मिलिशिया का नाम था रजाकर्स। ये रजाकर का नाम बांग्लादेश में आपने सुना होगा, ये रजाकर का नाम आपने कश्मीर में भी सुना होगा 47 के समय, कैसे कोई ट्राइबल ये सब आए थे, रजाकर आए थे। तो बांग्लादेश भी आपने देखा, शेख हसीना ने अपने उनके विरोध में जो थे उनका रजाकर कहा था। अच्छा, निजाम के रजाकर का तो हिस्ट्री तो सबको मालूम है, उस रजाकर से ही जुड़ा हुआ है मैं। जो लोग निजाम की जो हैदराबाद भारत में शामिल ना हुए, क्योंकि निजाम चाहता मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं, मतलब दक्षिण भारत में एक रॉयल स्टेट पाकिस्तान से। लेकिन सरदार पटेल ने उस प्लान को नाकाम करके, पुलिस एक्शन करके, निजाम ऑफ हैदराबाद को पूरा शामिल होना पड़ा, सरेंडर होना पड़ा। लेकिन रजाकर्सों ने उन समय काफी जुल्म किया, तो इस तरह खरगे के गांव पे आक्रमण किए। उस आक्रमण में घर जला दी गए, उस जिस घर जला दी गए उसमें खरगे के माताश्री और उनकी बहन दोनों आग में जलकर मर गए। खरगे ने ये स्वयं ये कहानी कहा है, लेकिन कभी ये नहीं बताया भाई किसने जलाया, किसने ये इस प्रकार के आपके अन्याय किसने किया, ये नहीं बोला कि रजाकरों ने किया। तो योगी जी का पूरा पलटवार करके इस समय कहा, भाई करके जी आप उस बात को क्यों नहीं दोहरा रहे, आपके साथ जो अन्याय की बात किया आपने जब आप 6 साल के थे, तो किसने किया था ये, वो किस पॉलिस, तो क्या वो एक बड़ा एग्जाम्पल नहीं था कि बटोगे तो कटोगे। तो ये बयानबाजी ऐसा एक लेवल पर पहुंच गया है। अच्छा, इस बीच में फडणवीस पर अटैक करके अपने MIM के नेता ओसुद्दीन ओवैसी ने, उन्होंने कह दिया भाई हम तो हमारे पूर्वजों ने भारत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किए थे, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने पेड़ प्लाटवर किया, बोला कि भाई आपके तो रजाकर्स के, आपके तो पूर्वी सब तो रजाकर्स के साथ थे, MIM का कुछ हिस्ट्री उस समय से है। तो आप एक देख रहे हैं, एक प्रकार से एक पोलराइज पॉलिटिक्स की बात आ गई है महाराष्ट्र चुनाव में, लेकिन लोग क्या है कि डर रहे। अच्छा, इस बीच में आपने देखा होगा ऑल इंडिया उलमा का जो संगठन है, उन्होंने पूरा बीजेपी को सपोर्ट करने कर दिया, सॉरी कांग्रेस को सपोर्ट देने के लिए। एक दूसरा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बड़े व्यक्ति है, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम कम से कम 263 सीट्स में महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट करेंगे, सारे मुसलमान भाइयों को अपील करेंगे आप इन्हीं को वोट करो, और बाकी साथी जो है सपा हो, बाकी शरद पवार के NCP हो, इनके साथी जो है सपा हो NCP हो सबको समर्थन करेंगे, यानी मुस्लिम वोट अघाड़ी को जाएंगे। अब सवाल आता है, एक ग्रुप, एक नेता, एक समुदाय से अपील कर रहे हैं, अब बात आती है कौन कम्युनल है इसमें, कौन डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहा है, ये सारे सवाल आ जाता है। भाई केवल करना योगी ही कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी में कह रहे हैं भाई जो लोग समझ नहीं पा रहे इसका अर्थ क्या है, बटोगे तो कटोगे का अर्थ क्या है, जो समझ नहीं पा रहे क्योंकि उनको लगता है भाई ये हिंदू समाज को कह रहा है। हाँ, हिंदू समाज को कह रहा है क्योंकि सैकड़ों सालों से, सैकड़ों आप कर सकते सेंचुरीज हिंदू सोसाइटी डिवाइड रही, इसलिए तो बाहर से आक्रमण हुआ, ये तो कोई हिस्ट्री का तो यही है। ये बात अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि 5000 साल तक भारत का कोई डिटरेंट ही नहीं था, भारत के पास जो मर्सी चले आए यहां बस गए, आक्रमण किए, रूल किए, लूटे, कुछ लोग चले गए छुटकर बस गए यहीं पर। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमें ये चाहिए, हमें एक डिटरेंट चाहिए। इसीलिए तो जब न्यूक्लियर पोखरण 2 हुआ था 1998 में, जैसे अटल जी सरकार बनी, तो अब्दुल कलाम उस समय एडवाइजर थे, साइंटिफिक एडवाइजर थे, तो उन्होंने कहा था ये पोखरण 2 इसलिए जरूरत है, पहली बार इंडिया इज गेटिंग अ न्यूक्लियर डिटरेंट, यानी 10 बार सोचेंगे बाहर से कोई आक्रमण करने का सोचेगा, क्योंकि हमारे पास इस तरह की डिटरेंट नहीं रहा,
इसलिए बार बार हमारी ऊपर आक्रमण हुई है, बार बार बाहर के लोग आके यहाँ पे आक्रमण किए। तो ये एक प्रकार इतिहास एक जगह है, राजनीति एक जगह है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए गायत्री जी, आज जो पॉलिटिक्स में जो चल रहा है और खास करके महाराष्ट्र चुनाव में, इस चुनाव में एक माइनॉरिटी वोट फैक्टर आ रही है जो पूरा विकास अघाड़ी के साथ है। दूसरा मराठा आरक्षण भी एक बड़ा इश्यू बन गया है, मराठा एजिटेशन भी देखे वो पूरा डायरेक्टेड है बीजेपी के खिलाफ, खास करके देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, जो मनोज जारेंगे जो है वो कहीं ना कहीं शरद पवार के समर्थक है और एकनाथ शिंदे का इतने खिलाफ नहीं है। तो अगले कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस कॉम्बिनेशन आएगी। लेकिन दूसरी बात है गायत्री जी, देखिए 6 पार्टियां हैं, 2 गठबंधन है, लेकिन चुनाव के बाद क्या समीकरण रहेगा, किसके पास कितने वोट होंगे, कितने सीटें होंगी, उसके बाद कौन किस साइड कहां जा सकता है। 2 पार्टी तो इकट्ठे नहीं हो सकते, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों पार्टी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अगर सक्षम होना है तब दोनों को, दोनों में किसी को तो 100 के आसपास आना है, कांग्रेस या बीजेपी, इन दोनों में से एक को 100 के आसपास सीट लेनी होगी, तब जाके वो देखिए, एक तो अगाड़ी इस साइड है, उस साइड युती है, लेकिन एडजस्ट करना होगा। और मुझे लगता है अजीत पवार पार्टी जैसे पार्टी, देखे उनको अगर लगता है भाई यहां से जाके वहां जाके और कुछ ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि इस बार उनकी सपना एक ही होगा, भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। जैसे पिछले बार 19 में हमने क्या देखा, उद्धव ठाकरे इस पे लग गए, जब बाल ठाकरे स्वयं पोस्ट में इंटरेस्टेड नहीं थे, उस समय कहा जाता था बाल ठाकरे के हाथ में रिमोट था, सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री इनके आदमी थे, लेकिन स्वयं सरकार में कभी बैठे नहीं, कभी कोई पद नहीं लिए थे। तो ये सारे चीजें, अच्छा दूसरी बात ये भी है गायत्री जी, लोग भी देख रहे कि पिछले 2 साल में क्या हुआ है, उससे पहले क्या रहा, किस प्रकार रहा प्रशासन, उसके बाद क्या हुआ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ कि नहीं। एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे अपने लेवल पर एक नया लीडर इमर्ज कर चुके हैं, एक पे हमें यह नोट करना होगा, क्योंकि जिस तरह इनकी स्टाइल ऑफ फंक्शन रही है, वो तो कहते हैं भाई हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हम मैं जाऊंगा, द सीएम विल गो टू पीपल करके कई जगह इन्होंने सफर किया है, कई जगह टूर किए, अपने आप इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी कर लिए, एंड यस प्रोजेक्टेड इस अपना पोटेंशियल एज ए सीएम, तो उसको उस अपील को भी इनकार नहीं कर सकते। और जहां पे डायरेक्ट फाइट है 50-50 और सीट से, जहां शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जहां पे डायरेक्ट मुकाबला है, वहां पे आप देख रहे हैं कई लोग कह रहे हैं भाई द बेनिफिट इज गोइंग टुवर्ड्स ये एकनाथ शिंदे। और ये जो सिंपथी फैक्टर बात थी लोकसभा चुनाव में, तो प्रदर्शन रही, बताया गया भाई बीजेपी को तो बहुत 23 सीटों से उनको 8 सीटें मिली, कांग्रेस की अच्छी प्रदर्शन रही और शरद पवार की अच्छी रही, केवल अजीत पवार को 4-1 मिला और बीजेपी का भी कुछ अच्छा नहीं था। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में काफी बदलाव आया है। अब सिंपथी फैक्टर एक बात है कि राजनीति में बार बार क्या सिंपथी फैक्टर वर्क करती है, क्या एक बार लोग आपके ऊपर सहानुभाव दिखा के हो सकता है आपको वोट दे दिए, तो क्या बार बार आप ही को आपके ऊपर ही सिंपथी होगा, क्या सिंपथी कोई परमानेंट फीलिंग्स, क्योंकि सारे जो भावमुख चीजें हैं वो आते ही जाते हैं, कोई परमानेंट नहीं है। तो ये सारे चीजों को लेकर ये चुनाव ऐसा चुनाव हो गया है जहां पोलस्टर्स के लिए तकलीफ हो रही है, सर्वे करने वाले भी पीछे हट रहे क्लियर प्रिडिक्ट करने के लिए, वो केवल यही बता रहे हैं भाई ये इश्यूज है, ये इश्यूज है, ये इश्यूज है, लेकिन कोई नहीं कह रहा भाई कौन आगे है या कौन पीछे है, क्योंकि स्थिति वैसी है। गायत्री जी, सर आपको लगता है अजीत पवार इस वक्त 2 नावों में सवार है? नहीं, अभी है? तो एक नाव में सवार है, देखिए दूसरा नाव ढूंढ रहा है वो, एक नाव में सवार है और वो सोच रहा है दूसरा ढूंढ रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि जब ना पानी ज्यादा अनस्टेबल हो, ज्यादा वेव्स हो, एक नाव से दूसरे नाव जंप करने में भी आपको सतर्क रहना है, नहीं तो आप डूब के मर सकते हैं, जंप मारते मारते और कहीं जंप ना मार दे, पानी में ही ना गिर जाए, ये हालत बन रही है। लेकिन हर पार्टी देख रहा हूं मैं, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करो, अपने सीटें कितने जीत पाएंगे उसके लिए करो,
और ऊपर से आप देख रहे झारखंड में भी क्या इश्यूज है, देखिए ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल में एक दूसरा फैक्टर आ गया है, वो है ये घुसपैठ वाला मामला। एक तरफ आप देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस टोटल डिनाइल में है कि कोई घुसपैठ नहीं हो रहा है, कोई जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा है, जो बाहर से मुसलमान आ रहे हैं वो आदिवासी महिलाओं से शादी करके जमीन कब्जा कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनमें से कई लोग भारतीय मूल के नहीं है, बांग्लादेशी भी आए हैं, कोई लोग रोहिंग्या बताया जा रहा है, उन्होंने कैसे कुछ झारखंड महिलाओं से शादी की है आदिवासी महिलाओं से, एक मुद्दा बन गया है वहां पे। क्योंकि ऑलरेडी झारखंड में माइनॉरिटीज वर्सेस आदिवासी एक टेंशन था, क्योंकि अधिकांश साहूकार जो मनी लेंडर्स साहूकार कम्युनिटी के अलावा मुसलमान कई लोग वहां पे मनी लेंडर्स के काम करते हैं, तो हमेशा ट्राइबल्स और मुसलमान मनी लेंडर्स के बीच में टेंशन होता रहता है। और इसमें ये जो बात आ गई इन्फिल्ट्रेशन को लेकर जो बात सामने आ गई है उस पर भी काफी ये हो गई है, मामला गर्म आ गई है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो ये सारे कुल अच्छा दूसरी वहां हेमंत सोरेन भी अपने सिंपति पर कर रहे हैं, अपने सिंपति फैक्टर, भाई मुझे ईडी केस कर दिया, मैं जेल में रहा, फिर बेल में आया और सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके आना पड़ा। तो ये सारे चीजें जो है देख रहे हैं कि झारखंड में एक माहौल बन रहा है। अच्छा झारखंड में क्या है, एंटी इनकम्बेंसी इश्यूज है ही, पिछले 5 साल उनकी सरकार, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में, कई घोटाले की बात हो रही है जो बीजेपी ने इसको सामने लाया है, ईडी रेड्स हुए हैं, बहुत पैसे पकड़े गए, आप जानते हैं कितने 525 करोड़ के एक पकड़ा गया था कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट की घर से। जी सो दोनों जगह पे माहौल पूरा का पूरा गर्म है, बट मुझे अजीत पवार के लक्षण परियाना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। कमिंग बैक टू अजीत पवार, आई एम सीइंग इज बिकॉज देयर वर टॉक्स ऑफ हिम जॉइनिंग बैक एनसीपी शरद पवार, और उसी के जस्ट आई थिंक ही वाज गोइंग टू डू सम प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई थी, ही वाज शॉट डेड। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं विच इज नॉट बीइंग कनेक्टेड, प्रॉब्ली आफ्टर सम टाइम व्हेन समबडी राइट्स अ बुक और या फिर सम यू नो समबडी क्लोज टू द फैमिलीज विल बी एबल टू रिवील बेटर। बट अजीत पवार आई रियली डोंट, स्पेशली योगी आदित्यनाथ को काउंटर करने के बाद में, और ये जो शरद पवार वाली जो मीटिंग थी जो इन्होंने अचानक से आकर मुंह खोला है, दिस इज नॉट गोइंग डाउन वेल, दिस इज नॉट अ नॉर्मल पार्टनर वाला, जो बोलते हैं ना एक आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा नहीं करते हो, आप उनको सामने जाकर उनके वीक पॉइंट्स को नहीं दिखाते हो, या आप उनके जाकर जो खुफिया बातें हुई हैं वो नहीं बोलते हो, आप हमेशा दूसरा साइड ओपन हो, आप उसके लिए हिंट्स नहीं देते हो। तो कुछ तो है अजीत पवार के बीच में जो ठीक नहीं चल रहा है। परियाना, कमिंग टू पीएम मोदी फ्लाइट टूडे और वर्सेज राहुल गांधी फ्लाइट, ये तो ग्लिच वाली फ्लाइट फाइट हो रही है, इनका ग्लिच उनका ग्लिच, उनका बैक चेक इनका बैक चेक, ये अलग ही एक नई वो चल रही है पैरेलल चीजें। नहीं डोडा रीजन में राहुल गांधी अपने कार्यक्रम खत्म करके, प्रचार कार्यक्रम खत्म करके हेलीकॉप्टर में बैठ गए, ये सोच के वो निकलेंगे बोकारो। बोकारो में आज दिन दोपहर 3:30 बजे से कार्यक्रम था, लेकिन जैसे वो बैठ गए लेकिन पायलट्स को ATC क्लियरेंस नहीं मिली। भाई कहा गया कि PM के एयरक्राफ्ट को ग्लिच हो गया है देवगढ़ में, तो PM के नॉर्मली क्या प्रोटोकॉल ऐसा पहला है, आज नहीं, जब राजीव गांधी PM थे तभी यह था कि भाई PM फ्लाइट की प्रायोरिटी होती है, जब PM फ्लाई करते हैं तो एयर स्पेस बंद किया जाता है समग्र राज्य में भी, और झारखंड में तो छोटा एक जगह से फ्लाई करेंगे, तो PM के फ्लाइट के कारण से हो सकता है राहुल की प्लेन को या हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं मिली उड़ान भरने के लिए, तो वो जाके एक इश्यू बन गया है, भाई ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये हमारे साथ ये क्या हो रहा है, PM की क्यों प्रायोरिटी जा रही। देखिये ये कोई नया नहीं है, कांग्रेस के समय में भी यही था, मनमोहन सिंह के समय भी, जहां मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर जाते थे उस हिसाब से जो प्रोटोकॉल होती है एयर प्रोटोकॉल उसी को फॉलो किया जाता है। आप जानते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर होकर दिल्ली में लैंड कर रहे हैं उस समय भी एयरपोर्ट बंद किया जाता है, कोई फ्लाइट इनकमिंग और आउटगोइंग नहीं होती। पालम IGA एयरपोर्ट में भी, क्योंकि PM लैंड करेंगे टेक्निकल एरिया में, पालम टेक्निकल एरिया में, फिर भी आपने एक प्रिकॉशन लिया जाता है, कोई VIP हो कोई हेड ऑफ स्टेट हो, एक इंटरनेशनल नॉर्म्स है। देखिए नॉर्मली
क्या है कि कई जगह पे वॉशिंगटन में देखे गए एंड्रयूज एयरफोर्स बेस है जहाँ प्रेसिडेंट उतरते हैं या वहाँ उड़ान भरते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आईजीआई है, लैंड करके फिर टेक्निकल एरिया चला जाता है उनके प्लेन, तो इसको लेकर बड़ा इश्यू हो गया। फिर कांग्रेस कह रही है भाई हमें कैंपेन करने दे नहीं दे रहा है, ये ले आज जो विलंब किया गया राहुल गांधी, इसका मतलब वो बकार के आसपास जो कैंपेन में जाने वाले थे नहीं जा पा रहे। ऐसी एक दूसरी मुद्दे को आपने देखा होगा, भाई हमारी बैग क्यों सर्च हो रही है, उद्धव ठाकरे ने बड़ा उसको बवाल मचा कि मेरी हेलीकॉप्टर में मेरी सामान वगैरह की जांच हुई, क्या इस तरह अमित शाह की होती है, क्या बाकी लोगों को होती है, क्या पीएम की होती है, इस तरह दो दिन पहले बोले थे। उसके बाद सबने कहा भाई हमारे यहां भी होती है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा मेरी होती है, आपके इनका भी हुआ, गडकरी जी का भी हुआ, आज खुलासा हो रहा है कि भाई अमित शाह जी का भी हो रहा है, राजनाथ जी का कई बार हुआ है, लोकसभा सभी चुनाव में भी कई लीडर्स की होती रहती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन है कि जो गाड़ियां अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं कोई फ्लाइट्स आ रहे हैं अंदर चेक करो, रैंडम चेक करो, ताकि उसमें पैसा तो कोई ना आ रहा। और इसमें इवन हैंडेड दिखाने के लिए वीवीआईपी फ्लाइट्स हो उसी को चेक किया जाता है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन मैं भी जानता हूं गायत्री जी, मैंने भी देखा है कई बार, कई नेताओं से भी किया हेलीकॉप्टर पे सफर, कई जगह कैंडिडेट्स को मदद करने के लिए कुछ धनराशि लेके जाते हैं नेता, जाके उनको वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतर के उनको देते हैं, भाई बांटो अपने कार्यकर्ता बीच में जो भी खर्चा है करो, ये होता है, ये पहले होता था ज्यादा जब ज्यादातर कैश हैंडलिंग था, अब तो मामला अलग है, सब पार्टियां उसको अपने खर्चा दिखाना पड़ता है, जितना खर्चा करेंगे इलेक्शन कमीशन को आपको बताना पड़ेगा, फिर वो कैंडिडेट की कॉस्ट में भी कुछ ऐड हो जाता है अगर लिमिट से ज्यादा है तो, ये तो एक प्रक्रिया है चल रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि बार बार कांग्रेस बताना चाहती है भाई इस चुनाव में हमें मौका नहीं मिल रहा है ठीक से, इस चुनाव में हमारे हाथ बंधे हैं, हम एक वन साइडेड फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा है भाई जो लोकसभा चुनाव के जो माहौल था, जो उनके लिए एडवांटेज हुआ महाराष्ट्र जैसे राज्यों में झारखंड में, वो माहौल अभी प्रिवेल नहीं कर रहा है, इसलिए बैटल टफ हो गया है। इसका मतलब नहीं है कि ठीक है बीजेपी स्वीप कर रहा है वो कर रहा है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक जरूर है जो परिस्थिति उस समय थी आज नहीं है, क्योंकि लोगों की विचार बदलते हैं और लोकल आपके असेंबली चुनाव लोकल इश्यू से ज्यादा है, भाई मेरी यहाँ प्रत्याशी कौन है, वो अगर सीटिंग है तो क्या किया नहीं किया, क्या परफॉर्मेंस रहा, ये सब लोग आजकल देखते हैं गायत्री जी। ये आप ग्रामीण इलाका हो शहरी इलाका हो, परफॉर्मेंस एक बड़ा मुद्दा है, और लोग जिन एमएलए से नाराज है उनके खिलाफ वोट करेंगे ही। जी काफी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं। फिर है ना एक अलग सी वॉर चल रही है साउथ साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्रीज में, तेलुगु तमिल, ये क्या है, ये क्या नया चल रहा है वहां पर अभी, क्यों चल रहा है, कौन इसको प्रमोट कर रहा है? अरे देखिए क्या है, आजकल साउथ में दो बातें हो रही है, एक बात जो है मलयालम इंडस्ट्री में आपने देखा एक हेमा कमीशन बिठाई गई थी जिसने फिल्म स्टार्स से पूछताछ करके वहां पे एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस बन गई, रिपोर्ट आ गई, कई बड़े बड़े हस्तियां जो हैं मलयालम इंडस्ट्री के उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए, क्योंकि वहां के एक्टर्स ने कंप्लेन किया कि भाई हमें सेक्सुअल हैरेस किया गया है, वो केरला में चल रहा है। जितना तक उस जो आर्टिस्ट एसोसिएशन है, एक प्रकार से कुछ लोग मानते हैं बड़ा माफिया स्टाइल कंट्रोल है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी जो बड़े सितारे हैं मोहनलाल वो इस्तीफा भी दे दिए, क्योंकि उनके एसोसिएशन में जो कार्यकर्ता थे उनको खिलाफ केसेस हो गए, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ रामदेव इसका हेमा कमेटी रिपोर्ट के बाद आवाज कई आंध्र प्रदेश में आई, भाई यहाँ भी ऐसा केसेस है जहाँ फिल्म मेकर्स डायरेक्टर्स फाइनेंशियर्स ने एक्सप्लॉइट किया है, वो एक प्रकार। दूसरा क्या हम देख रहे हैं कि देखिए पवन कल्याण जिस तरह ये हिंदू धर्म के ऊपर वो फिल्म हो गैर फिल्म हो जो राजनीति साउथ में है, तो भाई सनातन धर्म में जो मर्जी कहना कह दो ताकि अपना वायरटी वोट बैंक को खुश रखो,
इस तरह एक पॉलिटिक्स जो चली आई है खास करके तमिलनाडु में, उसके खिलाफ उन्होंने मुंह खोला। अब तिरुपति मंदिर में जब लड्डू की कॉन्ट्रोवर्सी आई कि घी में मिलावट है, जब सैकड़ों लोगों का करोड़ों लोगों के आस्था पर एक बड़ा चोट हुआ, तो पवन कल्याण खुल के स्वयं एक प्रकार से प्रायश्चित करने में लगे हुए थे। बाद में उसने चेतावनी दी बाकी नेताओं को, राजनेताओं को, भाई इस तरह हिंदू धर्म पे टिप्पणी करते जाओ, सनातन धर्म पे जो मर्जी कहते जाओ, क्या सब हिंदू को, सब क्या हिंदू का मतलब क्या सब टॉलरेट करना है, क्या सबको ये करना है और कोई उपाय नहीं है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। अब तीसरी बात आ गई है, अब तमिल फिल्म में देखिए अपहरण करके एक फिल्म है जो हमारे राष्ट्रीय राइफल्स में मेजर वरदराजन थे, उनकी पर्सनल कहानी है, जो एनकाउंटर में जो 2022 में एक एनकाउंटर हुआ था, राष्ट्रीय राइफल्स को कमांड करके गए थे, उन्होंने कई आतंकवाद को गिराया और स्वयं लास्ट में शिकार हुए और बलिदान किए अपने जीवन को। उन पर एक अभी तमिल फिल्म बनी है अमरन, बहुत अच्छी बनी है फिल्म, फिल्म की अच्छी रिस्पॉन्स हो रही है, बॉक्स ऑफिस हिट बनने जा रहा है, क्योंकि पहली बार तमिलनाडु में एक फिल्म पेट्रियटिज्म पे है। उस फिल्म में भी, उस फिल्म दिखाने के बाद दो प्रतिक्रिया आ रही है, एक है जिनको आतंकवाद दिखाई, आप जानते हैं कश्मीर आतंकवाद आगे आगे क्या है, कौन है आतंकवाद, कौन आतंकी है, कौन है, और वहां पे एक रिलीजन बेस्ड टेररिज्म तो चल रहा है, ये सबको पता है, तो उसको लेकर कई मुस्लिम संगठन ने प्रोटेस्ट किया है कि ये अमरन फिल्म जो है एक प्रकार से विलीफाई कर रहा है कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी को आतंकवाद के रूप में दिखा रहा है। जब जैसे कश्मीर फाइल्स को लेकर हुआ था, जब कश्मीर फाइल्स आई थी उस पर यही बात थी, भाई ये तो पूरा एक समाज को विलीफाई हो रहा है, लेकिन बात यह भी थी, एक्सोडस हुआ था 90 के दशक में, कश्मीर पंडित छोड़ के भाग आए कश्मीर घाटी से। तो अभी क्या हो रहा है, ये अमरन फिल्म को लेकर एक ये बात है। दूसरी बात क्या है, देखिए वो थोड़ा और भी सेंसिटिव मामला है, जिसमें एक अभिनेत्री फंस गए, उनकी अभद्र भाषा में टिप्पणी, यानी कस्तूरी शंकर की बात कर रहा हूं, अभी कोर्ट ने उनको एंटिसिपेटरी बेल नहीं भी दिया है, वो उनको किसी वक्त तमिलनाडु की पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं। वो इसलिए कर है क्योंकि जो कैरेक्टर दिखा गया वरदराजन, वो ब्राह्मण समुदाय के है। देखिए तमिल फिल्मों ने कई बार कुछ बड़े कम्युनिटी जो है उनको, उन पर जब कहानी बनाई उनको हीरो के रूप में दिखाया है, वो तेवर कम्युनिटी हो, कोई नायडू कम्युनिटी के हो, जो जिनकी संख्या ज्यादा है और उनको मतलब उन कम्युनिटी की जो प्राइड है उस पर दिखाया गया। यहां पे क्या हुआ है, मेजर वरदराजन ब्राह्मण समुदाय के, लेकिन इस फिल्म में ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि उनको जात को पूरा ऑब्लिटरेट कर दिया है। अच्छा, मेजर वरदराजन की वाइफ एक क्रिश्चियन है फिल्म में, लेकिन वो दिखाया गया है कि वो क्रिश्चियन है। अब सवाल देखिए, इससे फिल्म को कोई कमी नहीं हुई, क्या है जब आप रियलिस्टिक बात करते हो, देखिए आप चक दे इंडिया में भी ये बात आई थी, चक दे इंडिया में जो मेन इंस्पिरेटर है वो तो कोई नेगी थे, लेकिन फिल्म में दिखाया गया कोई अल्प सब कम्युनिटी के है। जब आप स्टोरी बेस कर रहे हो, जहां किसी को बायोपिक टाइप फिल्म बनाते हो, तो वहां धर्म क्यों बदल देते हो, जात क्यों उसका ये कर देते हो। इसको लेकर तमिलनाडु के कुछ ब्राह्मण संगठन ने कहा, भाई हमको लेकर, देखिए लगातार ब्राह्मणों को तमिल फिल्म में बहुत ये दिखाया गया, कॉमिक रोल में दिखाया गया, डरपोक दिखाया गया और मजाक हुआ गया, ये लगातार एक पैटर्न रहा है इसमें कोई, जिसको लेकर तमिल ब्राह्मण संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, भाई अगर आप हमें एक कॉमिक रोल में दिखा रहे हो, हमें एक नीच दिखा रहे हो, क्योंकि वहां पे द्रविड़ पॉलिटिक्स, द्रविड़ मॉडल पॉलिटिक्स में ब्राह्मणों को विरोध करना है, जब ब्राह्मण तमिलनाडु में 2% ही नहीं है, कोई बड़े फैक्टर भी नहीं है तमिलनाडु में, लेकिन पेरियार के मूवमेंट भी ब्राह्मण के खिलाफ था, क्योंकि उन दिनों में कांग्रेस में कई नेता ब्राह्मण कम्युनिटी बिलोंग करते थे, स्वाधीन संग्राम के समय, उस समय की बात है, उसको अलग से हम उसको तो ज्यादा विश्लेषण कर सकते हैं, क्या है द्रविड़ मॉडल, कैसे पेरियार इवे रामसामी का कैंपेन कहा रहा, ये जस्टिस मूवमेंट कैसे आई, उसके फिर एथिस्ट मूवमेंट कैसी बनी, वो सब अलग बात है। अब दूसरी बात, आज देखिए कमल हासन, वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, उन्हें अपने पार्टी भी बनाया,
अपने आप को ब्राह्मणवाद के खिलाफ काफी बार बोलते हैं, लेकिन फिर भी द सो कॉल्ड अदर पार्टी, सोशल जस्टिस पार्टीज, उनको स्वीकार नहीं किया। कोई ब्राह्मण कम्युनिटी बिलोंग करके ब्राह्मण के खिलाफ बोलने से भी आप उनमें एक नहीं बन सकते, जो कमला हासन अपने स्वयं अपने राजनीति में देख चुके हैं, क्योंकि आज भी पार्टीज कमला हासन को एक ब्राह्मण नेता के रूप में ही देखते हैं, जब स्वयं ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण ये पूरा खिलाफ है। तो ये एक डायमेंशन है, ये अमरन फिल्म में आ गया। लेकिन कस्तूरी शंकर ने कुछ टिप्पणी कर दी, भाई जो लोग स्वयं तमिलनाडु को बिलोंग नहीं करते वो क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनका के जो तमिलनाडु के ब्राह्मण है वो कहां से आए, क्या आए, उनकी पूर्व आश्रम क्या है। ये जो भाषा उपयोग किए थे वो करना नहीं चाहिए था, जिससे वो, क्योंकि सारा कम्युनिटी को आप, कोई भी कम्युनिटी को आप पेंट नहीं कर सकते एक रंग में, वो गलत बात है, वो कानून के खिलाफ है, तो उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन सारा खुल मिला देखा जाए, द्रविड़ पार्टीज या द्रविड़न मॉडल पार्टीज का हमेशा क्या है, एक एक पंचिंग बैग हो गया है ब्राह्मण्स, तो कि उनकी बात देखिए, आज ब्राह्मण फैक्टरी नहीं है, कोई बड़ी इश्यू नहीं है, फिर भी आप उनको यूज करते हो पंचिंग बैग ताकि आपकी पॉलिटिक्स के लिए। इस बीच पे गायत्री जी जो तमिलनाडु में जो डिसरप्टर मूवमेंट है, वो एक्टर विजय का प्रवेश, उन्होंने एक पार्टी लॉन्च कर दी टीवी के करके, तमिल वेट्री कच्ची, इसका आगे अगले साल, क्योंकि 2024 में तमिलनाडु में चुनाव आ रहा है, एक फैक्टर, नया फैक्टर आ रहा है। ये कांग्रेस के साथ, एआईएडीएम के साथ कुछ संबंध रखने की बात हो रही है, और एक्टर विजय और राहुल गांधी के बीच में कुछ इंटरलोक्यूटर्स ने कुछ बात किया है, और राहुल गांधी स्वयं चाहते हैं कि कांग्रेस अच्छी तरह लड़े तमिलनाडु में, ज्यादा सीटें पर लड़े, डीएमके के मर्जी पर ना लड़े, एक वो अलग बात है। तो वहां पे समीकरण बदल रहा है, क्योंकि 2026 में जाके वहां असेंबली चुनाव है, तो समीकरण बदल रहा है। इस बीच में अन्नामलई 2-3 महीने नहीं है तमिलनाडु सीन में, वो चले गए यूके में पढ़ाई करने के लिए, अब वापस आ रहे। तो आगे हम कई, हमारे इंटरेक्शंस में तमिलनाडु पॉलिटिक्स को लेकर कई बातें हमें करनी होगी, कि इंटरेस्टिंग चल रहा है। 2026 में देखिए चुनाव कहाँ कहाँ होने है, असम में होना है, बंगाल में होना है, तमिलनाडु में होना है, केरला में होना है, चार मुख्य राज्य हैं जहां चुनाव होना है। आप देखिए केरला में भी कैसी, वहां पे वायनाड चुनाव तो हो गया है अभी, दो जगह ये था आपके बाई इलेक्शन था वो भी हो चुका है। तो क्या उसमें अभी प्रियंका गांधी की सफलता को लेकर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वहां पे वायनाड के आप जानते हैं वोटर्स की प्रोफाइल क्या है। लेकिन सवाल है कि जितना इन्होंने टारगेट रखा था कि प्रियंका गांधी को 5 लाख वोट से ज्यादा जीताना है, उसमें सफल हो पाएंगे, उसमें क्या होगी, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हो गया वायनाड में, पिछले बार जो था उतना नहीं है, बहुत कम हो गया इस बार, तो क्या वो 5 लाख मार्जिन रख पाएंगे। ये सारे बातें हैं गायत्री जी, जो आगे हम देखेंगे कैसा ये अनफोल्ड कर रहा है। 23 नवंबर को 48 असेंबली बाई इलेक्शन है, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही 9 है, बंगाल में 6 है, कर्नाटका में 3 है 4 है। तो ये एक सिनेरियो जो बन रहा है, तो काफी नए नए चीजों को सामने आ रहा है। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर, नमस्कार नमस्कार।